हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि यंग एज में इतने ज़्यादा हार्ट अटैक के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो उस वीडियो को भी पहले मेरे चैनल पर जाकर देख लें। इस वीडियो में मैं सबसे पहले उन लोगों के बारे में बात करूँगी जिनकी फैमिली में, जिनकी जेनेटिक हिस्ट्री में हार्ट डिजीज़ है। ऐसे लोगों को रेगुलर चेकअप कराना होगा। वो किस तरह के रेगुलर चेकअप होंगे वो इस वीडियो के लास्ट तक मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। जो भी लोग डायबिटिक हैं वो लोग अपने ब्लड शुगर का रेगुलर चेकअप कराएं और इस बात का ध्यान रखें कि उनका ब्लड शुगर नॉर्मल रहे, क्योंकि अगर आपका ब्लड शुगर लंबे समय तक बढ़ा हुआ रहता है तो इस वजह से कार्डियक मायोपैथी भी हो जाती है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है वो लोग अपने ब्लड प्रेशर की मेडिसिन रेगुलर लें और इस बात का ध्यान रखें कि उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे। इसी तरह से जो लोग ओवरवेट हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि उनका वजन धीरे धीरे कम की तरफ जाए, क्योंकि ओवरवेट होने से भी हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ रहता है उन लोगों को भी अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा होता है और ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर भी बढ़ जाता है तो ऐसे में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल में आपका LDL कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए और HDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होना चाहिए। LDL और HDL से रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर बनाया है, अगर आप चाहें तो उसको जाकर देख सकते हैं। उसमें बहुत ही डिटेल में इसके बारे में जानकारी दी गई है। एक्सरसाइज करना एक अच्छी आदत है, लेकिन अगर आप अपने घर में एक विग्रस एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो आप अंडर सुपरविजन ही करें। आजकल खराब डाइट, मिलावट, स्ट्रेस, ड्रग्स, स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब वजहों से पहले से ही बॉडी में लोगों के प्लाक जमा रहता है, जिस वजह से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। स्ट्रेस को कम करने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए और प्रॉपर 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि आप अपनी डाइट में नमक, चीनी, तेल, चावल ये कम कर दें, सब्जी और फल बढ़ा दें। अगर आप एक बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करते हैं तो इस वजह से भी आपकी सेहत ठीक रहेगी और हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाएगा। अगर आपको स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको, ड्रग्स, इससे जुड़ी कोई भी आदत है तो इसको छोड़ने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि इससे भी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। और अगर आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है तो आपको कुछ रूटीन चेकअप जरूर कराने चाहिए। और अगर आपकी फैमिली में हार्ट डिजीज़ पहले से रही है तो ऐसे में आपको कुछ रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए, जैसे कि ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ECG। ECG तो बहुत ही सही कॉस्ट में मार्केट में हो जाता है, तो इस तरह के चेकअप आप रेगुलर जरूर कराएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस की अपडेट आपको सही टाइम पे मिल सके इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।